मॉर्निंग और आज फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं फॉर जयपुर. बिफोर दैट वॉच दिस एक्सप्रेस वे अगेन अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट टू लखनऊ. 250 किलोमीटर्स टू लखनऊ एंड इट विल हार्डली टेक अराउंड 3 आवर्स. इट्स अ वेरी गुड टाइम कटिंग. बाकी चलो विल सी. इतने लोग आ ही नहीं रहे हैं उस दिन. कल भी हम टोल वाले से बात कर रहे थे. टोल तो खाली है. इफ यू आर स्टैंडिंग एट टोल कोई नहीं है. आराम से गाड़ी में उतर के तुम बात कर सकते हो. उससे ऐसी बात कर रहे थे तो यू आर सेइंग कि पूरे दिन भर में ओनली 25 व्हीकल्स पास द टोल. तो आई थिंक विलेजर्स आर नॉट यूज. एक तो इतना एक्सपेंसिव है और यहाँ पे लोकलाइट्स दे डोंट प्रेफर यूजिंग एक्सप्रेसवेज. खाली जो लंबे रूट पे जा रहे होंगे. दिस एक्सप्रेसवे इज रनिंग फ्रॉम पटना टू लखनऊ. दैट इज अराउंड टोटल 360 किलोमीटर्स अराउंड. तो इफ समबडी इज मूविंग फ्रॉम पटना टू लखनऊ इन वेरी अर्जेंट बेसिस तभी वो यूज करेगा. अदरवाइज वो नेशनल हाईवे यूज कर लेगा. अदर हाईवेज यूज कर लेगा. और दोज लोकलाइट्स हु प्रेफर ऑफ यूजिंग अ चीपर रूट तो वो नेशनल हाईवेज यूज कर लेंगे या फिर नॉर्मल रूट यूज कर लेंगे. इतना महंगा लेके क्या फायदा. बट ये है कि इट इज अ फास्टर रूट ओनली. मतलब इसका टोल भी इतना ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक्सप्रेस में ही जाना चाहेगा वही यूज करेगा. बाकी अच्छा है. रोड अच्छा मेंटेन कर रखा है. थोड़ा सा वॉशरूम मेंटेन करने की जरूरत है. बाकी स्टॉल पेट्रोल पंप्स भी इन्होंने रखे हैं बीच में क्योंकि बिकॉज इतने जगह पे कहीं आपको पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेंगे. तो दे मेड अ वे. आप नीचे उतरो पेट्रोल भराओ कम आउट एंड अगेन यू बैक टू द ऑन योर रन वे. चलो बहुत लंबा हाईवे पूरा खाली. मतलब इतना अच्छा एक्सप्रेस वे 100 किलोमीटर के क्रूज पे लगाया है. पैर फोल्ड किए हैं और बैठ गया हूँ तसल्ली से. गाड़ी चलती रहेगी. स्टेयरिंग को बीच बीच में हाथ लगाने का है. प्लेन पे चलती रहेगी गाड़ी. पास पास क्लास एकदम. कोई टेंशन नहीं. अभी भी देयर स्टिल 150 किलोमीटर्स लेफ्ट और ऑलरेडी हम लोग 100 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं. एक घंटा भी नहीं लगा. शायद 5 बजे निकले थे हम लोग. हाँ एक घंटा हो गया. सो ऑलमोस्ट 1 आवर एंड रेस्ट रिमेनिंग आई थिंक 1.5 आवर्स में विल रीच लखनऊ. 150 किलोमीटर्स मोर. और पता है सबसे अच्छी खासियत यहाँ पे एवरी 100 मीटर पे इन्होंने एक मार्क दे रखा है. दिस एंटायर लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे. मतलब 150 किलोमीटर्स लेफ्ट यहाँ पे जैसे 147.8 147.7 147.6 एवरी 100 मीटर्स में एक बार दिखा. एवरी 100 मीटर्स में दे आर शोइंग दिस. इट्स गुड वेरी गुड. और बाकी बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है. काफी अच्छा है. वॉशरूम्स हम लोग गए थे. मतलब इन्होंने एक्सप्रेस वे के साथ ही एक वॉशरूम पैनल बना रखा है कि यू कैन गो इनसाइड दैट बे एंड यू कम आउट. और वहाँ पे पार्किंग भी है गाड़ी रख के. वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स भी है अगर आप कुछ खाना चाहते हैं. पानी वगैरह मिल जाएगा. वॉशरूम्स की कंडीशन थोड़े से गंदे थे आई थिंक. लखनऊ सिटी के अंदर नहीं जाएंगे. वी हैव टेकन अ बाईपास. मतलब उन्होंने यू टर्न लगवा दिया एंड वी हैव टेकन द नेशनल हाईवे 27 एंड वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स जयपुर. आगरा होते हुए जाएंगे. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लखनऊ. नवाबों का शहर लखनऊ. बहुत सुंदर हो गया. लास्ट टाइम मैं आया था तो इतना डेवलपमेंट नहीं था. अभी काफी अच्छे रोड्स हो गए. काफी अच्छी कंडीशन हो गई. सिटी बहुत हाई राइज कर रही है. बिल्डिंग्स और ये देखो साइड में जैसे ये गोल्फ सिटी हो गया वगैरह वगैरह. इट्स गुड. बहुत अच्छा मेंटेन कर दिया इन्होंने. ओके तो अब हमने लखनऊ छोड़ दिया है. वी आर ऑन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे. सेम एक्सप्रेसवे है बस थोड़ा सा गाड़ियां हैं इसमें. देयर आर व्हीकल्स गोइंग टुवर्ड्स क्योंकि आगरा के बाद फिर उनको एक और एक यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाता है. तो टू रीच दिल्ली यू कैन फ्लाई ऑन टिल दिल्ली. मतलब यहाँ से आपने लखनऊ से ये एक्सप्रेस वे पकड़ा टिल आगरा देन आगरा से एक्सप्रेस वे पकड़ा टिल दिल्ली. तो इट्स गुड. मतलब यहाँ लखनऊ से तुम दिन भर में अप डाउन कर सकते हो फ्रॉम दिल्ली और आगरा. तो यहाँ तो बढ़िया है. अभी तक सब कुछ अच्छा है. रोड्स अच्छे हैं. पीछे भी एक्सप्रेस वे मिल गया. अभी भी एक्सप्रेस वे मिल गया. सेम है इसमें भी वही चीज़ें हैं. किलोमीटर्स के भी मार्क दिए हुए हैं. यहाँ पे भी अराउंड 300-350 किलोमीटर्स में अराउंड पहुँच जाएंगे हम लोग आगरा. और उसके बाद वहाँ से देन आगे देखते हैं हाउ टू गो जयपुर. कैसे रोड्स होंगे दिखा देंगे आपको. आगरा तक तो ऐसे ही उड़ते हुए जाएंगे. चलो
आगरा छोड़े हुए हमें हो गया अराउंड 2-2.5 hours, ठीक है, और रेस्ट रिमेनिंग 2.5 hours 110 किलोमीटर्स टू जयपुर. आगरा से इट टेक्स अराउंड 5 hours अप्रोक्सीमेटली टू जयपुर, और राजस्थान हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और इट्स फीलिंग गुड एंटरिंग राजस्थान आफ्टर लॉन्ग टाइम. लास्ट टाइम मुझे याद है आई केम टू राजस्थान इन 2012. अभी आई एम अगेन विजिटिंग दिस प्लेस. अच्छा लग रहा है, इट्स गुड, ब्यूटीफुल प्लेस. चलो टुमारो विल विजिट जयपुर. आज तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, आज होटल ही चेक इन होगा, ठीक है. और हमसे एक गलती हो गई कि वी थॉट कि होटल्स बहुत सारे हैं तो होटल्स अवेलेबल होंगे. तो आई वुड रिकमेंड जब भी आते हो जयपुर घूमने के लिए, तो इफ यू वॉन्ट गुड होटल्स इन योर बजट, डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि होटल्स आपको मिल जाएंगे तो आपको बजट में नहीं मिलेंगे, और आपको बजट में मिलेंगे तो आपको पसंद नहीं आएंगे. तो ये हमारे साथ हो गया, इसीलिए हमारे बीच में एक घंटा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल आए थे तो हमने सोचा था हो जाएगी, तो कल रात को मिस आउट कर दिया, गलती हो गई, ठीक है. तो आज हमने किया तो उतना अच्छा और पसंदीदा होटल नहीं मिला, बट ठीक है, लेट्स सी अब कैसा है. वी ऑल्सो डोंट नो, बाकी चेक इन करने के बाद समझ में आएगा होटल कैसा है. रेटिंग्स ठीक ठाक थी, थोड़ा सा एवरेज अमाउंट में मिल गया है, तो देख के फिर विल शो यू. बाकी थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा रहा है 2.5 hours. होपफुली शायद आई थिंक जयपुर में ट्रैफिक होगी, और काफी अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक है. एज यू नो रोड आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर. ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस, ड्राइव सेफ, ठीक है. कोई भी टेढ़ा जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कैटल्स घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो एनीथिंग कैन हैपन, जस्ट बी सेफ, ठीक है. चलो विल ऑल्सो एज सून एज विल रीच विल शो यू. बाकी सनसेट होने वाला है, चलो लेट्स गो जयपुर. चलो सो आफ्टर एन हेक्टिक ड्राइव, हेक्टिक था नहीं बट थोड़ा सा बीच में आगरा में रुकने की वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, बिकॉज पहुंचते पहुंचते अभी 9:20 तक हम लोग इन हो गए थे, बट काफ़ी टाइम लग गया, नॉट एक्सपेक्टेड इतना टाइम लगेगा, बट वही है एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद से लेकर यहाँ तक पहुँचने का, और लास्ट में ये जयपुर का ट्रैफिक, इट टुक अ ह्यूज टाइम. उसके बाद अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होके वी आर प्लानिंग टू गो फॉर डिनर. होटल इट्स गुड एवरेज, ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू कि टाइम से अगर बुकिंग कर लोगे तो यू विल फाइंड अ गुड होटल, अदरवाइज थोड़ा सा बेसिक में ही जाना पड़ेगा. बाहर से इसका व्यू थोड़ा अच्छा है, दे हैव मेंटेन अ वेरी गुड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हेरिटेज सा एनवायरनमेंट है, आई विल शो यू. बाकी इनका एक रेस्टोरेंट है रूफ टॉप में, वी आर गोइंग देयर टू हैव आवर डिनर, विल हैव द डिनर एंड विल कम बैक एंड टेक रेस्ट. काफ़ी थक गए हैं, रेस्ट करना है. चलो ऊपर का व्यू दिखाएंगे, वट वी आर हैविंग रेस्टोरेंट, एंड अगर नीचे जाता हूँ तो आई विल शो यू द व्यू ऑफ द होटल. चलो दिस इज गुड रूफ टॉप रेस्टोरेंट, अच्छा है. सो हम लोग यहाँ पे बैठ के वी आर टेकिंग आवर ऑर्डर, और कुछ स्पेशल तो नहीं था खाने को, बट हमने ऑर्डर किया कोफ्ता एंड रोटी.